मेरा एक्साइटमेंट ट्रॉफी के साथ जब वो आएगी घर पे तब ज्यादा होगा। अंकित जी जा रहे थे तब वो मेरे लिए सबसे ज्यादा सैड मोमेंट था। पूरी तेरे जैसी दोस्त सबको मिले जो सबको क्रिटिसाइज जो दोस्त को ही क्रिटिसाइज करती है। मुझे लगता है अर्चना जो कैमरा देखते हैं कैमरा कहाँ पे ला सकती हूँ मैं, तो वो कभी लड़ भी लेती है कभी कुछ भी। इस बार से पापा मम्मी को बुलाया गया है, मतलब बिग बॉस ने सिर्फ पापा मम्मी को इनवाइट करा है और बाकी फैमिली मेंबर को इनवाइट नहीं करा। तो मुझे लगता है डिजर्विंग जो है वो मुझे प्रियंका दी और शिव लगता है। ऐसा लगता है प्रियंका दी जीतने वाली है अच्छे से। वंस अगेन वेलकम टू टेलीचेस का। एंड सबसे पहले तो आपको हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे क्योंकि प्रियंका टॉप 5 में पहुंच चुकी है। तो आपके लिए कितनी एक्साइटमेंट है और किस तरह का माहौल है फिलहाल आपके आसपास? माहौल तो मतलब मेरे घर के आसपास भी बहुत सारे सारे लोग एक्साइटेड हैं, जैसा आपने बोला बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं। घर पे तो एक्साइटमेंट का लेवल ही अलग है। मेरा पर्सनली सही बताऊं तो मेरा एक्साइटमेंट इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि मेरा एक्साइटमेंट ट्रॉफी के साथ जब वो आएगी घर पे तब ज्यादा होगा। टॉप 5 का तो मुझे पता था, जब मैं देखता था टॉप 5 का मुझे कन्फर्म था कि हाँ वो डेफिनेटली जाने वाली है। ओके तो हाल ही में बिग बॉस ने कुछ मोमेंट्स बताए थे प्रियंका के कि उनकी जर्नी पूरी कैसी रही है। तो आपके लिए सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा था और सबसे कह सकते हैं कि सैड मोमेंट कौन सा था जब प्रियंका की पूरी शोरील बताई जा रही थी तब? सबसे सैड मोमेंट मुझे याद आ रहा है जब मेरे ख्याल से अंकित जी जा रहे थे तब वो मेरे लिए सबसे ज्यादा सैड मोमेंट था। और सबसे हाँ अच्छा मोमेंट अच्छा मोमेंट याद नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत सारे अच्छे। पर मुझे एक वो फनी मोमेंट जरूर याद आ रहा है जिसके अंदर प्रियंका दी अर्चना के साथ डांस कर रही थी। हाँ वो बात पूरी थी तेरे जैसी दोस्त सबको मिले जो सबको क्रिटिसाइज जो दोस्त को ही क्रिटिसाइज करती है। तो वो मुझे राइट थोड़ा फनी। राइट। इन दिनों ये लोग फिनाले तो नजदीक आ चुका है लेकिन अर्चना और प्रियंका के झगड़े ना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो कभी उनके बीच दोस्ती होती है कभी उनके बीच दुश्मनी होती है, तो इस पर आपका क्या टेक है? मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ना अर्चना जो ज्यादा समझ आती नहीं है। मुझे लगता है अर्चना जो कैमरा देखते हैं कैमरा कहाँ पे ला सकती हूँ मैं, तो वो कभी लड़ भी लेती है कभी कुछ भी। तो अर्चना जी की वो एक अपनी अलग पर्सनालिटी है। जैसे कल मैंने देखा था शायद राखी सावंत का भी उन्हें टैग वगैरह मिल रहा था उधर प्रेस मीटिंग में, तो वो थोड़ा यस कॉन्शियस। प्रियंका जी ने बोला शी इज फुल फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, तो उनको बाद में ऐसा लगा। तो अर्चना जी की सही बताऊं तो मुझे ज्यादा पर्सनालिटी समझ नहीं आती वो ऐसा क्यों करती है। ओके। इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि जब प्रियंका फिनाले में आ चुकी है तो आप लोग क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं? घर से अक्सर मतलब स्टेज पर बुलाए जाते हैं फैमिली मेंबर्स को, तो सिर्फ आप ही जा रहे हैं या आपके फैमिली मेंबर्स भी जाएंगे आपके साथ में इस बार? इस बार से पापा मम्मी को बुलाया गया है, मतलब बिग बॉस ने सिर्फ पापा मम्मी को इनवाइट करा है और बाकी फैमिली मेंबर को इनवाइट नहीं करा। ओके। इन सब के अलावा अगर पूरे जर्नी की बात करें, आप भी क्योंकि उस घर में जाकर आ चुके हैं, तो पूरी जर्नी में कौन सी एक खास बात लगी आपको प्रियंका की और कौन सा ऐसा एक मोमेंट था जिसकी वजह से आप खुद टीवी पर देखते देखते इमोशनल हो गए थे? सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा था जब वो मतलब अपना वोकल मतलब वोकल होके हर चीज पे लेती है, मुझे सबसे ज्यादा अच्छी चीज वो लगी थी। एंड हाँ इमोशनल वाली चीज जाए तो आई थिंक वो जब शालीन से एक बार बात कर रही थी कि कुछ बोलो तो भी मतलब उनके टीयर्स भी आ रहे थे आंसू भी निकल रहे थे, तब मुझे वो थोड़ा इमोशनल हो गया था क्योंकि मुझे सही में उनके आवाज में दर्द दिख रहा था, इसलिए वो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया उस टाइम पे। ओके। इन सब के अलावा अगर गेम की बात करें तो प्रियंका के अलावा किसका गेम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा और आपको लगता है कि हाँ ये बंदा सही है फिनाले तक पहुंचने के लिए? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पांचों लगते हैं कि फिनाले वाले थे सही में, सबने अपना भर भर के कंटेंट दिया है। शालिन को देखा जाए कैमरा इनकी तरफ से हटता ही नहीं था, पूरा पूरा वीकेंड का वार इन पे निकल जाता था। तो मेरे ख्याल हाँ से अर्चना जी पूरा हफ्ता निकल जाता था, मेरे ख्याल से ये डिजर्व करते हैं सारे टॉप 5 में, तो मुझे लगभग सारे पसंद है।
अच्छा, अगर टॉप टू की बात करें तो टॉप टू में आपको क्या लगता है, जो लाइट्स ऑफ करके बाहर निकलते हैं वो दो कंटेस्टेंट्स कौन हो सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है, और लगता है को मैं छोड़ दूं एक बार साइड में, तो मुझे लगता है डिजर्विंग जो है वो मुझे प्रियंका दी और शिव लगते हैं। शिव लगते हैं। तो आपको लगता है कि शिव और प्रियंका के बीच में कांटे की टक्कर बाहर भी है और घर के अंदर भी हो सकती है? नहीं, मुझे लगता बाहर कांटे की टक्कर नहीं है, घर के वो टक्कर सिर्फ अंदर तक थी। ऐसा लगता है प्रियंका दी जीतने वाली है अच्छे से। अच्छा, कॉन्फिडेंस, हम होप करते कि वो जीते। क्या लगता है आपको कि मतलब फिनाले क्योंकि इतना नजदीक है तो फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने उन्हें बाहर से काफी ज्यादा सपोर्ट किया जब जब उन्हें जरूरत थी तब तब? मैसेज मैं चाहूंगा कि सब फैंस ने बहुत सपोर्ट करा है अभी तक, आगे भी आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ये सफर बहुत लंबा होगा, अभी सिर्फ 2 साल नहीं है मेरे ख्याल से, आने वाले 10 साल के सफर सफर की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच योगेश। ऑल द बेस्ट टू यू, प्रियंका को भी, एंड वी होप कि वो जीत कर आए। वेलकम, थैंक यू।